हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं लैम्टी, जहां पर मैं आपसे बात करती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल और स्किन केयर के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जो आपको शायद इस समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैं एक आपको एक ऐसा स्क्रब लेकर आई हूँ जो आपका एंटी एजिंग भी है और आपके स्किन के डेड सेल्स को अच्छे से रिमूव करने के साथ साथ आपके जो सन टैनिंग की प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है बिग ऑफ थैंक्स जो मेरे फैमिली का मेंबर बन चुके हैं, धीरे धीरे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल पर आते हैं वॉच करने के लिए, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले देखते हैं कि ये स्क्रब कैसे बनेगा और कैसे अप्लाई करना है, और ये बहुत इफेक्टिव है। इसको आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ये जल्दी खराब भी नहीं होने वाला है। आप इसको एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा बनाइए और आराम से आपके पूरी फैमिली मेंबर्स इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि स्क्रब को इसको मैं कैसे बनाने वाली हूँ, कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आप जरूर देखिएगा। आप खुद अपनी स्किन में ट्राई करके उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा गुड रिजल्ट मिलने वाला है। सो ट्रस्ट मी गाइज, आप इसको जरूर वॉच करिए, जरूर देखिए और अप्लाई करिए, और उसके बाद अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर आके आप कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो है आपकी स्किन में एक पॉलिशिंग का काम करता है, ये एंटी एजिंग है। तो इसको मैंने इतना क्वांटिटी में ले लिया है। सेकंड में इसमें ऐड करने वाली हूँ राइस फ्लावर। राइस फ्लावर में जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है, यूवी जो किरणें हैं उनसे जो आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगेन ये भी पॉलिशिंग का बहुत अच्छा काम करता है और एंटी एजिंग तो है ही। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आपके स्किन में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है, एक टाइटन अप इफेक्ट देता है। उसको मैंने इतनी क्वांटिटी में ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैं अरेबिका का ये कैफे जो है पाउडर है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और रिंकल्स और फाइन लाइन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को क्योर करता है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉफ़ी भी एनफ है, अगर है तो आप ज़रूर डालें। टर्मरिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे आपके स्किन में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, आपके स्किन में एक शाइन देता है। तो उसको डालने के बाद आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इतनी क्वांटिटी में आपको डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसके पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलमंड्स ऑयल जो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को क्लीन करता है, स्किन टोन को सही करता है, आपके स्किन में एक मॉइस्चराइजर ऐड करता है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों को क्योर करता है और एंटी एजिंग है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको करना होगा अच्छे से मिक्स। ये स्क्रब आपके स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, आपके स्किन के जो डेड सेल्स हैं उन सारी चीज़ों को रिमूव करेगा। इसके बाद ये थोड़ा ड्राई था तो मैंने फिर से इसमें कोकोनट ऑयल इसमें इतना ऐड किया है। इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आप जो आपके एक्ने की प्रॉब्लम है, डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी और आपके स्किन में एक शाइन, एक मॉइस्चराइजर भी ऐड होगा। तो इस समर्स आप इस पैक को ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं या फिर अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाला है। और इसको एक साफ़ जार, एक साफ़ कंटेनर में इसको डाल के एयर टाइट बॉटल में आप इसको रख लें, और जब आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई करने के बाद इसको आप अच्छे से मसाज करें, हल्के हाथों से आपको इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसको अपने स्किन में यूं ही छोड़ देना होगा, और इतना थिक आपका होना चाहिए जिससे आपका एक पतली लेयर लगे, जैसे मैं आपको लगा के अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप लगाएं, और उसको हल्के हाथों से पतली पतली लेयर के साथ उसको हल्के हाथों से स्क्रब करें। इसको आप वहाँ एरिया पर ज़रूर लगाएं जहाँ आपको सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, डेड स्किन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को ये क्योर करेगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्किन में एक मॉइस्चराइजर भी आपको ये देगा। तो इतना करने के बाद अब आपको थोड़ी देर छोड़ देना होगा, और उसके बाद आपको करना होगा अपने स्किन को वॉश। आप नॉर्मल टैप वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से शाइन करने लगेगी, एक जैसे बॉडी में पॉलिशिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट, कितनी अच्छी शाइन कर रहा है। तो गाइस इसको जरूर ट्राई करिएगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ये स्क्रब आप जरूर ट्राई करने वाले हैं, जरूर बनाने वाले हैं, और आपके जो कि अनइवन स्किन है, क्या होता है कि गर्मियों में आपके सन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये गले के पीछे हो या फिर एल्बो में, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, और आप सोचते हैं कि क्या करूँ, सन टैनिंग हो चुकी है। अगर आप हाफ स्लीव्स की कोई ड्रेस पहनते हैं तो वो भी आपकी, आपको देखेंगे कि दो टोन में आपको नज़र आने वाला है। तो अगर आप इस सब चीज़ को क्योर करना चाहते हैं तो इस स्क्रब को जरूर ट्राई करिएगा। और एक मेरा बॉडी पॉलिशिंग भी, एक मेरा पैक
पैक है उसको भी अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा और आप इसको करके अपनी स्किन को इवन बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं। कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप इसको अपनी स्किन में अपने बॉडी पर ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइज, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।